आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया है और यहां मतदान खत्म हो चुका है। अगला चरण 11 मई को होगा और परिणाम 13 मई को यहां पर आएंगे और स्पष्ट हो जाएगा जनता ने जनाधार किसको दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 मंडल में 10 नगर निगम में यहाँ चुनाव हुआ, 104 नगर पालिका में चुनाव हुआ, 276 नगर पंचायतों में काम चुनाव हुआ और अगर देखा जाए तो कुल 390 निकायों में चुनाव हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात कि चुनाव हुआ, मतदान हुआ और तमाम तरह की खबरें भी आई कि कई लोगों का लिस्ट से नाम गायब था, तमाम तरह की बातें वहां हुई, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी रहे कि जानबूझ के लिस्ट से नाम गायब किए गए। खैर, चुनाव होता है और आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ लगता रहता है, कभी चुनाव प्रक्रिया को लेकर, कभी ईवीएम को लेकर, कभी वोटिंग परसेंटेज को लेकर, कभी पुलिस की मनमानी को लेकर, कभी प्रशासन की हतधर्मिता को लेकर। खैर, चुनाव है और यहाँ प्रदेश हमारा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है आबादी के लिहाज से, बड़ी आबादी है और बड़ी आबादी में जब चुनाव होता है तो घटनाएं होती रहती हैं। पर चुनाव के माध्यम से जो 24 की परिकल्पना, जो लोग सजे हुए हैं, उनके लिए चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। जनता के लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि जनता को प्रतिनिधि मिलेगा बाढ़ का, यानी गली की, उससे सरकार किसकी रहेगी, सपा, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या सुभाषपा या अन्य पार्टी या निर्दलीय। पर जो पार्टियां हैं उनके लिए सपना यहाँ पर यह है कि 24 में अब इसको लेकर हम जाएंगे कैसे, क्योंकि वोटर वही है, वही विधानसभा चुनाव में रहता है, वही लोकसभा चुनाव में रहता है और अगर वोटरों की बात करें तो वही निकाय चुनाव में रहता है। तो जब वोटर एक ही है और अगर वोटर का मन निकाय चुनाव को देखते हुए जिस भी पार्टी में लगेगा तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है, एक एग्जिट पोल हम मान सकते हैं मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, कि ये पार्टी अब 24 चुनाव में यहाँ पर लाभ में रहेगी। खैर, आम चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होता है और शायद देश का सबसे बड़ा चुनाव है और यहाँ पर उसी पार्टी की जीत होती है जो अनवरत लगातार काम करती रहती है, संघर्ष करती रहती है और धरातल पर बनी रहती है। पर इसके अलावा जो एक चर्चा विषय है वो ये है कि अगर इस निकाय चुनाव को हम महत्व नहीं देते हैं या हल्के में लेते हैं तो ये पार्टियों के लिए नुकसानदेह भी है। मैंने बात यहाँ पर इसलिए की क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को बड़ा संजीदगी से नहीं लिया है, क्योंकि उनके एक भी स्टार प्रचारक या बड़े नाम या बड़े नेता जो कि लड़की लड़ सकती हूँ के नारे के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आए थे वो यहाँ पर नहीं आए, वो कर्नाटक चुनाव में बिजी रहे, व्यस्त रहे। उनके लिए कर्नाटक चुनाव वहाँ महत्वपूर्ण था और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, पर उत्तर प्रदेश में ना आना, एक भी रैली ना करना, एक भी जनसभा ना करना स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं नजरअंदाजी आपने की है। और नजरअंदाजी का कारण क्या है, या आपको पता था कि इस निकाय चुनाव में आपको कुछ महत्व नहीं मिलना है या आपको यहाँ पर लाभ नहीं होना है, इसलिए आपने निकाय चुनाव को बहुत गंभीरता से नहीं लिया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात स्पष्ट है, बड़े नाम का नहीं आना कहने के स्पष्ट करता है कि आपने चुनाव को महत्वपूर्ण रूप से या उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। क्योंकि हम ये वही बता रहे हैं आपको, जब विधानसभा चुनाव यहाँ हुआ था तो भूपेश बघेल भी आते थे, चरणजीत सिंह चन्नी भी आते थे और तमाम बड़े नाम जो कांग्रेस पार्टी में है, चाहे शशि थरूर हो या बड़े नाम हो, सब आते थे। पर इस बार अभी निकाय चुनाव में पहला चरण हो गया है, खत्म हो गया है, प्रचार 2 दिन पहले बंद हो गया था, कोई नहीं आया। तो यह कांग्रेस की बात नहीं, यह सपा की बात नहीं, यह भाजपा की बात नहीं, यह आम आदमी पार्टी की बात नहीं, यह हम बात करें जनता की। तो जनता के जो पहला चरण आज खत्म हुआ और खत्म होने के बाद 360 निकायों में स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने जनाधार किसको दिया है। फिलहाल मैपुर कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में आज 4 मई को 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूँ। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं। निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी एकदम से एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा 24 के चुनाव को लेकर। चुनाव कैसा जाएगा और किसके पक्ष में जाएगा फिलहाल वो जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है। और पहले चरण का यहाँ मतदान हो चुका है, अगला चरण 11 मई को, उसके बाद जो चुनाव होगा वो होगा 11 मई के बाद, जो परिणाम आएंगे वो आएंगे 13 मई को। और 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि लिटमस टेस्ट में यहां पास कौन हुआ है, 24 के पहले के सेमीफाइनल में पास कौन हुआ है, किसको यहां जनता ने जनाधार दिया है। चर्चा वैसे बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए भी क्योंकि चुनाव को बहुत संदिग्ध से लिया जाना चाहिए। निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में तमाम चीजें स्पष्ट हो जाती है, गली की सरकार किसकी होगी, शहर की सरकार किसकी होगी और नगर संग्राम में किसने बाजी मारी है वो आगामी 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा। उससे पहले चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से जो एक वैचारिक और समीकरण यहां पर लगाए गए थे मुस्लिम वर्ग को लेकर, दलित वर्ग को लेकर, ओबीसी वर्ग को लेकर, उन समीकरणों पर भी क्या प्रयोग यहां पर निर्धारित हुए हैं और जनता ने किस वर्ग ने किसको कितना जनाधार दिया है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर समीकरणों वाला चुनाव भी है, क्योंकि हमने देखा है कि यहां बहुजन समाज पार्टी ने 17 मेयर में से 11 मेयर को मुस्लिम वर्ग से टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने 5 लोगों को टिकट दिया और बीजेपी ने तमाम कयासों को दरकिनार करते हुए अपनी अलग छवि से विपरीत विपक्ष को यहाँ एक अलग कुठाराघात करते हुए 395 लोगों को टिकट देकर स्पष्ट कर दिया था कि अगर बात यहाँ पर बीजेपी को बदनाम करने की आती है तो बीजेपी अपनी नीति सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास उसी के चलते हुए मुस्लिम वर्ग को भी यहाँ पर बहुतायत में टिकट देकर उनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है और वहाँ से मेहमान जो कि गुरु का नेता भाजपा से देशबंधु ऋषि भाई अपनी बात रखेंगे, बृहस्पति का रूप में अमृत साबरी भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह यादव अपनी बात रखेंगे और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में भाई समाजसेवी का आज बैठना इसलिए जरूरी था कि समाजसेवी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं होता है पर जनता का आयना जरूर होता है। और शायद विवेक शर्मा को पूरी तरह से पता होगा कि स्थिति क्या है, एक समाजसेवी ग्रुप में क्या वहां पर घटित हुआ है, कैसे हुआ है और कैसे जनता ने इस बार इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई है। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा देशबंधु ऋषि से, देशबंधु भाई चर्चा में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी और यहाँ पर क्या स्थिति लगती है आपको, क्योंकि यहाँ नारे सबने लगाए हैं, यहाँ सबने कहा कि जनता के लिए हमने काम किया है और जनता ने हमको यहाँ पर बहुमत देने का वादा किया है। अब बहुमत यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 17 नगर निगमों में इस बार कहाँ पर जीत हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बड़े एहतियात के साथ टिकट बांटे हैं। जो गलती बिरासत चुनाव 2022 में की थी वो गलती यहाँ नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा भी यहाँ पर 11 मुस्लिम वर्ग के लोगों को टिकट दिए गए, क्योंकि अगर हम 17 की बात करें तो वहाँ पर भी जब आप 14 सीट मेयर के जीत कर आए थे तो बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें जीत कर स्पष्ट कर दिया था कि उसको कमतर मत आती है, चुनौती है, कैसे देखते हैं आप? गौरव जी, इस प्राइम डिबेट में आज के दिन इस महत्वपूर्ण चर्चा में जी आपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए जी मुझे अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद जी। सर्वप्रथम जी आज स्थानीय चुनाव त्रिस्तरीय स्थानीय चुनाव में उत्तर प्रदेश की जो 2.40 करोड़ जनता ने मतदान का उपयोग किया उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देता हूं। और आप सभी जो लोकतंत्र का 14 स्तंभ है, मीडिया कर्मी, सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, मैं आपके
नेशनल चैनल से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, चूंकि आपने बताया जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से बड़ा राज्य है, और इतने शांतिपूर्ण तरीके से यह पहली उपलब्धि है। आपने देखा, क्योंकि आप यह समझते हैं कि स्थानीय चुनाव लोकल मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और लोकल मुद्दों में आपसी चुनाव में लड़ते लड़ते कभी कभी आपसी वैमनस्य हो जाता है, लेकिन फिर भी शासन और प्रशासन को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज को, पूरी उत्तर प्रदेश की टीम को, मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद कि इतने शांतिपूर्वक चुनाव हुए। अब रही चुनाव की समीक्षा करने के लिए, तो देखिए अभी मैं भी क्षेत्र से आ रहा हूं, और कहीं पे मैं भी था, तो अभी आंकड़े तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी मिली और आपने पता है और मीडिया से जैसी मेरी सूचनाएं मिल रही हैं, बहुत ही अच्छा मतदान हुआ। और हम आपने जो कहा इस बार दसों नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पर्चा है, तीन इंजन की सरकार बनाएगा। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और एक एक सिपाही हमेशा जनता के हित के मुद्दे से, आपने खुद भी कहा और ये आपने देखा होगा कि हम ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं। अच्छा। और रही बात, आपने अभी चर्चा की, हमने सभी जातियों, सबका साथ सबका विकास का हमेशा पैमाना रखा, हमने कभी भी किसी के साथ भेद वर्ग नहीं किया, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों, हम जनता के विकास के मुद्दों के साथ हमेशा संघर्ष करते रहे, उनके सुख दुख में, उनके कल्याणकारी विकास में, और हमारे विकास के रथ का पहिया चलता रहा अनवरत। और देखिएगा 13 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो हम पूर्ण बहुमत के साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, और स्थानीय मुद्दों के साथ जो ये विकास की रथ यात्रा चली है वो और भी अनवरत करते तेजी की गति से अपने आगे अनवरत। बहुत बढ़िया बात कहते जसवंत भाई, आपने साधुवाद दे दिया, धन्यवाद दे दिया प्रशासन को, आपने भाजपा सरकार के जो काम है उसको तारीफ कर दी, मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी, बहुत अच्छी बात है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पर थोड़ा खेल भी जता दीजिए, मैं खेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना जाने कितने लोगों के नाम कट गए, ऐसी हिला बहाली, ऐसी गलतियां तो क्षमा योग्य नहीं है। क्यों? कारण यह है कि लोकतंत्र के महापर्व में अगर किसी को वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता है तो सबसे बड़ी बात है धोखा जनता के साथ है, और इसकी जवाबदेही कौन निर्धारित करेगा? देशबंधु भाई, यहाँ खेल भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा, मैं यहाँ पर आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं भी फील्ड में गया और मैंने देखा कि 12-12, 15-15 किलोमीटर से लोग आए थे वोट देने के लिए। उनका कहना था हम कहीं दूर रहने लगे हैं पर हम आए हैं, और हमको देखा है कि लिस्ट में नाम ही नहीं है, तमाम नाम ऐसे हैं जो कि वोटर आईडी बना हुआ, आधार कार्ड बना हुआ है, नाम गायब है। तो हीला बहाली जो हुई है लोकतंत्र के महापर्व में, अगर किसी को वोट से डालने से अगर वंचित रह गया है तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही भी सरकार की है और शायद निर्वाचन आयोग की भी है, इस पर खेद भी जताइए। नहीं गौरव भाई, इस पर मैं केवल इतना टिप्पणी करना चाहता हूँ कि देखिए यह बात आपकी मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग, यह सब मुझे भी मिला, मैं भी एक बूथ पे था, कि बहुत सारे नाम कटे और बहुत सारे लोग आए और उनमें सूची में, लेकिन आपको बताएं क्योंकि ये हमारा जो देश है एक लोकतांत्रिक देश है, इस पर मैं इतनी टिप्पणी करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्थानीय, देखिए सूची 3 स्तर की होती है, स्थानीय निकाय चुनाव की सूचियां अलग होती हैं, विधानसभा की अलग होती है और लोकसभा की, और ये समय समय पे आप देखिए प्रशासन ने हमेशा जागरूकता अभियान चलाया कि आप अपने नाम वोटर लिस्ट में डालें, मतदाता अभियान, वोटर आईडी तो एक ही होता है, देखिए वोटर आईडी तो एक ही है, नहीं नहीं ऐसा है, जरूरी है पर्ची लेके आए, नहीं वोटर आईडी तो ऐसा नहीं। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कई लोग जो होते हैं वो इस मानसिकता से होते हैं कि कहते हैं विशेष वर्ग को मैं प्रभावशाली या प्रभुत्व डाल के मैं नाम कटा दूंगा या जो भी हो। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। शासन प्रशासन ने देखा, अनेकों बार देखिए अभियान चला के, और हमारी पार्टी की जहां तक भारतीय जनता पार्टी का नेता, हमने तो पहले ही देखिए हमेशा कहा कि पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा। हम हमारे कार्यकर्ता तो यह निवेदन हमेशा करते रहे, लेकिन इस बात के लिए आपकी बात को मैं सहमत हूँ कि नाम कुछ जगह कटे, अनेकों जगह कटे, और आप मीडिया है, इस बात को मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने बोला स्थानीय स्तर पर, या आप भी जानते होंगे स्थानीय स्तर पर नाम और विधानसभा की सूची में, मैंने भी आपको बताऊं
कई जगह सर्च था, मेरे पास ऐप है, अभी भी आप ढूंढ लें। कुछ लोगों को जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, आज टेक्नोलॉजी अपडेट है तो उनको लगता है कि हमने तो नाम डलाया था, बहुत सारे वोट डले थे और विधानसभा लोकसभा में उनके नाम थे सूची में, उन्होंने गूगल से अपने ऐप से विभिन्न माध्यमों से ला के दिखाया, लेकिन जब ऐप से हम लोगों ने खोला तो वर्तमान में नहीं हुए, कहीं त्रुटिवश, और कई नाम त्रुटिवश नहीं रहे, जैसे होनी चाहिए, नहीं नहीं जवाबदेही होगी त्रुटि के लिए, उसके लिए भी उपाय किए गए, लेकिन जागरूकता अभियान के तहत उसमें सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है। और इस विषय को मैं गंभीरता पूर्वक, हाँ लोकतंत्र के पर्व में मतदान सबसे जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग आए, लेकिन शासन प्रशासन ने बहुत चीज किया और ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मतदान हुआ उसके लिए साधु बार आपको देता हूं, अनवरत प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया है, धन्यवाद के पात्र है और यहां पर धन्यवाद होना चाहिए। और इस पर जो है समीक्षा, जो अच्छा हुआ उसके लिए आपको साधु बार, पर जो गलत हुआ है या जिस पर कमी रह गई है उसके लिए खेल जताना भी जरूरी है कि जनता जनार्दन ही जनाधार देती है, ठीक है। नितिन यादव प्रवक्ता सभा, नितिन भाई चुनाव रहा, आप पहला चरण निपट गया है और शांतिपूर्ण मतदान रहा, कोई बड़ी घटना का यहाँ पर नाम नहीं आया है, कुछ त्रुटियां हुई जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया, आवाज थोड़ी कम आ रही है जी, तो जितिन भाई कैसे देखते हैं आप पहला चरण, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी का कहना है कि मैं आऊंगा, आम आदमी पार्टी अपना जनाधार दिखा रही है, सपा का अपना है, पर लोगों का कहना यही था कि इस बार लड़ाई मुख्य रूप से सपा और भाजपा के बीच में है, आपकी क्या राय है और ये चुनाव कितना तक आपके पक्ष में जाने की उम्मीद है, पहला चरण जी। धन्यवाद गौरव जी, महत्वपूर्ण विषय है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जी विकास के वादे किए थे जी और ये कहा था कि हम विकास की दम पर चुनाव लड़ेंगे जी और जनता पर विश्वास करके चुनाव लड़ेंगे जी और जीत करके आएंगे जी, लेकिन आज के मतदान ने साबित कर दिया, मतदान की प्रक्रिया में जिस तरीके की गड़बड़ियां की गई ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुकी है चुनाव को लेकर। और अब जो वही जो जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी फेमस है कि जब ये साधारण तरीके से चुनाव नहीं जीतते हैं तो ये फिर बेईमानी और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश करते हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज जब फाइनल वोटर लिस्ट सामने थी, लोग मतदान केंद्रों में जा रहे थे तो उनके नाम खास तौर पर चिन्हित, जो चिन्हित लोग थे कि यह वैचारिक रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के मतदाता नहीं है, अच्छा। उनके नाम उस मतदाता सूची से गायब थे, अच्छा। दूसरा जो एक समस्या आई कि जो बीएलओ इनके हैं उन्होंने घर घर जो पर्ची पहुंचाने का काम था वो भी नहीं पहुंचाया गया जी। तीसरी चीज ये देखी कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखी वहां फर्जी मतदान करने का प्रयास किया और गोरखपुर में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए फर्जी मतदान करते हुए, अच्छा। और हिंसा का भी सहारा लिया, इंदौर वगैरह तमाम जगह पे ऐसी स्थिति हो गई कि वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब हार और हताशा सामने आई तो मारपीट और गुंडागर्दी तक भी की गई है। तो इससे निश्चित रूप से ये जाहिर हो रहा है गौरव जी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस निकाय चुनाव को लेकर के हताश और निराश हैं, बुरी तरीके परास्त होने का भय सता रहा है, अच्छा। और इसी कारण से कि सारे नेता जो दिन रात एक करके प्रचार करने में लगे हुए बावजूद इसके भी इनको सफलता नहीं मिल रही है, अच्छा। जहां विकास की बात होनी चाहिए थी, जहां शहरों में गंदगी साफ होने की बात होनी चाहिए थी, शहरों के सौंदर्यीकरण की बात होनी चाहिए, तो इनके बड़े बड़े दावे जो स्मार्ट सिटी के दावे थे वो तो पूरी तरीके से खोखले साबित हो गए, अच्छा। निगमों में जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त रहा और यही कारण था भारी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बदलने का काम किया, अच्छा। और जो लोग आज मौजूदा समय में चुनाव लड़ रहे हैं आम जनमानस में इनके पर जबरदस्त आक्रोश है और लोगों ने इनके खिलाफ मतदान करने का काम किया है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बेईमानी की जो जो हथकंडे अपना सकते थे इन्होंने असफल प्रयास किए हैं इस पर, लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव में और खासतौर पर जो नगर पालिका के और निकाय चुनाव में जो नीचे गांव पे पंचायत स्तर के जो चुनाव थे जहां नगर पंचायतें नगर पालिका के जो नगर परिषद के चुनाव है वहां तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, महापौर के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे आमने सामने की मजबूत लड़ाई लड़ रही है। ठीक है ठीक है विवेक शर्मा, विवेक भाई समाज सेवी है, जनता के प्रतिनिधि चुनाव तो नहीं लड़े हैं, ना ही कोई आपका राजनीतिक पद है, पर समाज सेवी है तो जनता की तमाम समस्याओं को
और तमाम जो आवश्यकता है उनको देखते रहते हैं और आवाज उठाते रहते हैं। और समाज सेवी की भूमिका ही यही रहती है कि प्रत्येक व्यवस्था को बड़े ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, और अगर कोई कमी है तो उसके संघर्ष करना, यही भूमिका भी रहती है। चुनाव पहला चरण हो गया, लखनऊ में भी हो गया, राजधानी लखनऊ में, चुनाव कैसे देखते हैं, क्या स्थिति रही और क्या आपने आज चुनाव के दौरान पाया, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व था। जी गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार जी। आज का जो चुनाव था जी और जो इससे पूर्व चुनाव हुए हैं जी, मेरा पूरा जब भी मैं आपके इस चैनल पर बैठा हूँ मैंने यही बताया है कि आम जनता ठगी गई है और वो केवल और केवल फुटबॉल बनती जी, चुनाव हो गए, वोट कर दिया, अब फिर आम जनता फुटबॉल बनने के लिए तैयार हो जाए जी। अभी मैं सुन रहा था ट्रिपल इंजन तीन इंजन की सरकार जी। तो क्या अभी तक क्या दो इंजन की सरकार थी क्या जी? महापौर भी अभी भी भाजपा के ही थे जी। जो आपने गड्ढे देखे, जो आपने समस्याएं देखी, जो जिस तरीके से साफ सफाई का प्रबंध जो होना था, जो कुप्रबंध कहलाया जाता है, वो अब आगे कैसा रहेगा ये देखने वाली बात है। अच्छा। क्योंकि कुप्रबंधन तो पहले भी रहा, तीन इंजन की सरकार थी जी। उसमें ही जब कुछ नहीं हुआ तो आगे का बस, क्योंकि हम लोगों का एक अधिकार है, हमें एक अच्छी सरकार चुनने का मौका मिलता है और वो भी क्षेत्रीय पार्षदों को हम चुनते हैं जिससे कि वो हमारी बातों को आगे तक ले जाते हैं। इस बार भी सब लोगों ने चुना है, लेकिन वो कितने ठगे जाते हैं या कितना उनको राहत मिलती है ये तो आने वाला समय बताएगा। वैसे अभी आपको मैं बता दूं जी, जैसा सेल्फी पॉइंट के लिए हमारे नगर विकास मंत्री जी ने पूर्व में करा था कि साफ सफाई रहेगी वहां पर सेल्फी पॉइंट बनेंगे जी, और लगाई भी गई थी और फिर वो नदारद हो गए थे, वैसे ही इस चुनाव में जो पिछले चुनाव हुए थे हमारे विधानसभा वाले उसमें सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, इसमें सेल्फी पॉइंट गायब थे। अच्छा, वो इसलिए गायब कर दिए गए, शायद कर दिए गए होंगे कि कहीं वो कूड़े वाले सेल्फी पॉइंट लोगों को याद ना आ जाए और कहीं बटन गलत ना दबा दें। अच्छा। लेकिन लोगों ने फिर भी सोचते हुए समझते हुए अपने वोटिंग की है जी। और बाकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो तो आपके पिछले 5 वर्षों से चली रही जी। अब इस ट्रिपल इंजन सरकार ने किस तरीके से छुट्टा पशुओं, किस तरीके से खतरनाक कुत्तों से हमें छुटकारा मिलेगा, देखते देशवासियों को क्या वो होगा, सही बात, वो आने वाला समय बताएगा। जो इस समय पर आपने देखा होगा खतरनाक कुत्तों से देखते लोगों का कहर पूरे प्रदेश भर में फैल रहा है, पूरे देश में है, उसके आश्रय स्थल को क्यों नहीं बना रहे जी? उसका केवल एक इलाज ये होता है कि उसको लेकर चले जाते हैं, उसका ऑपरेट कर देते हैं, वापस ले आते हैं, फिर कुत्ता प्रेग्नेंट हो जाता है, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो ये सब कब तक चलता रहेगा? जो खतरनाक और आवारा कुत्ते हैं उनका आश्रय स्थल क्यों नहीं बना रही सरकार, ये सोचने वाली बात है, ये लोगों को समस्याओं से छुटकारा दिलाएं। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि लोगों के नाम कटे हुए थे, तो ये कौन देखेगा सर? ये पांच वर्ष से यही सरकार चल रही है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपके अधिकारी और ये बीएलओ क्या कर रहे थे जी? आपको याद होगा आपके प्राइम टीवी पर जिस समय पर सृष्टि अपार्टमेंट के जो लोग थे या जो 5 अपार्टमेंटों की हमारी श्रृंखला है सरगम है जनेश्वर है, इन लोगों के वोट नहीं बने थे, तो ये हमने ट्विटर के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाई थी, तब कहीं जाके हम लोगों के वोट बने और वो भी पूर्ण रूप से वोट नहीं बने। जहां पर 5,000 वोट बनना चाहिए वहां 1500 वोट बना केवल जी। तो अब ये हम हर घर घर जाकर तो नहीं करेंगे, शासन प्रशासन यहाँ पर भैया उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर कोई आएगा, कोई अधिकारी इस चीज का संज्ञान लेगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ना जी। अभी क्या हो रहा है कि जो इन्होंने परिसमन किया हर क्षेत्र का, जो 110 वार्ड है इसका परिसमन हुआ है जी, कुछ के पूरे पूरे वोटर ही गायब कर दिए, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं 4,000 वोटर गायब है, कहीं 5,000 वोटर गायब है, कहीं 2,000 वोटर गायब है, लोग परेशान हैं कि कहां जाएं, किस जगह पर हम वोट करें, तो ये किसको देखना था? इसकी शिकायत मैंने कल भी कही थी कि लोगों के घरों पर पर्चियां नहीं पहुंची, नहीं आई। मैंने एडीएम प्रशासन को एफआर को फोन किया था और उनको अवगत भी कराया था, तो उन्होंने मेरे को एक लिंक भेज दिया कि ये लिंक सबको भेज दीजिए, इससे वो अपना नाम और एरिया डालने के बाद में चिन्हित कर ले और अपना जाके वोट कर दे, लेकिन वो भी क्रैश हो गई, वो साइट ही नहीं चल रही जी। तो आदमी किसको वोट करेगा सर जी? बिल्कुल, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आम आदमी, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ गौरव भैया जी, आम आदमी एक फुटबॉल है और उसको हर सरकारें आकर खेलती है। चले 5 वर्षों से ये सरकार भी खेल रही थी, आगे भी जो सरकार बनेगी, जो क्षेत्रीय सरकार बनेगी वो फिर खेलेगी, लेकिन फिर भी हम वोट करेंगे। ठीक है,
क्योंकि हमें क्षेत्र का विकास चाहिए। बिल्कुल, हमारा अधिकार है लोकतंत्र के महापर्व में, हम अपना वोट जरूर करेंगे। पहले मतदान, बारहवें जलपान जो नीति है वो बनाए रखेंगे और वोट जरूर करेंगे। ठीक है, आमिर साबरी, आमिर भाई क्या विशेषण है आपका? बहुत शुक्रिया गौरव जी, आपने चर्चा में शामिल किया, धन्यवाद जी। पहले तो मैं इस महापर्व की उन तमाम मतदाताओं को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने मतदान किया जी, और उन मतदाताओं को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने मतदान नहीं किया जी, और विशेष तौर से महाबधाई उन मतदाताओं को देता हूँ जो बेचारे मतदान केंद्र तक गए और उनका वोट ना मत ना होने के कारण वो वापस आ गए। गौरव जी, कम से अभी मेरे पास जो दो तीन क्षेत्रों की जो खबर है कि बालदा एक जगह है पुराने लखनऊ में, वहाँ कम से कम 600-700 वोट कटे हुए थे जी। वही पुराने लखनऊ में एक काजमैन अशरफाबाद और उधर का जो एरिया पड़ता है सादन का, वहाँ कम से कम 1500 से ऊपर वोट कटे हुए गौरव जी। ये इस तरीके का, ये तो मैंने दो वार्डों को आपको बताया, इस तरीके के तमाम वार्ड हैं जहाँ पर 1000 से लेकर 1500 और 2000 तक वोट कटे हुए गौरव जी। ये बड़ी बात है। और एक लिस्ट में भी आपको एक बात और अहम बताने जा रहा हूँ कि एक 41 वोट 41 लोगों के नाम अव्वलियत एक, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 41 लोग हैं और वल्दियत एक है, और उससे भी बड़ी हैरत की बात है कि उसमें एक भी महिला नहीं, टोटल 41 पुरुष हैं गौरव जी, ये हास्यास्पद नहीं है, आप बताइए कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात, अभी समाज सेवी हमारे विवेक शर्मा ने बहुत अच्छी बात की ट्रिपल इंजन को लेकर, और ये मैं कहना भी चाहता था कि ट्रिपल इंजन की जहां तक बात आ रही है तो ट्रिपल इंजन की सरकार तो थी गौरव जी अभी तक, क्या डबल इंजन की तो नहीं थी, डबल इंजन के अलावा ट्रिपल इंजन की भी थी, लेकिन उसके बाद आप जाके एक मोटरसाइकिल से चक्कर लगाया ये पुराने लखनऊ का, गोमती नगर और इधर की तो मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो वास्तव में लखनऊ था और लखनऊ है आज भी, आप जाके देखिए मेन जो बस अड्डा है कैसर बाग का, आप इर्द गिर्द से निकल नहीं सकते, इतने बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं। और अभी आप ही के चैनल पे एक बार हम बोले भी थे कि जो 700 सेल्फी कूड़ाघर हैं लखनऊ के अंदर, उन पर सेल्फी पॉइंट की बात की गई थी, गौरव जी आप बताइए कितने सेल्फी पॉइंट बनाए गए, तमाम ऐसी सड़कें हैं, मेन सड़कें बनी हुई जहां से निकलना दूभर हो जाता है गौरव जी, ये हमारे लखनऊ की स्थिति है। और जहां तक मतदान की बात हुई गौरव जी, आज देखिए मतदान जो हुआ वो हुआ, अलग बात है कितने परसेंटेज रहा क्या रहा, अभी उसकी पूरी सामने में नहीं रहा है, लेकिन 40 के अंदर ही रहा है मतदान, 40 से ऊपर नहीं गया, ये भी एक हमारा, इसका मतलब ये कि मतदाता हमारा जो है सब कुछ के बाद भी अभी या तो जागरूक नहीं हो पा रहा है, या फिर वो जो हालात हैं हताश है जो हताश और निराश हो चुका है, इसलिए वो वोट डालने निकला नहीं गौरव जी। और जहां तक बात राजनीति की आती है और राजनीतिक पार्टियों की आती है गौरव जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी तमाम बार कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, हो सकता है कि आफ्टर चुनाव फिर ये ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाए गौरव। अच्छा। मैं चाहता ये हूँ इन तमाम जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, हालांकि ये दो ही पार्टियों के हैं, समाजवादी पार्टी के और एक भारतीय जनता पार्टी के, और पैनलिस्ट होते अन्य पार्टियों तो और अच्छा होता है, तमाम पार्टियों को लिखित देना चाहिए चुनाव आयोग को कि अगर बैलेट से चुनाव होगा तो लड़ा जाएगा और ईवीएम से होगा तो नहीं लड़ा जाएगा, और आफ्टर चुनाव ठीकरा फोड़ना चुनाव आयोग पे मैं नहीं समझता गौरव जी, ये कोई बहुत अच्छी बात होती है। बिल्कुल। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र दोहरे मापदंड की बात है गौरव जी, तो मैं भी आपको एक बात, दो बातें बड़ी अहम बता रहा हूं कि अभी 15 दिन पहले 110 नक्सली भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आसाम में ली है जी। तमाम सोशल मीडिया से लेकर के ये वीडियो और फोटो सब वायरल हुए हैं जी। और आप ये देखिए कहां तो ये माफियाओं की और नक्सलियों की और आतंकवादियों का विरोध की बात करते हैं मंचों से, लेकिन आप देखिए अंदर खाने क्या कर रहे हैं कि तमाम नक्सली आतंकी और जो माफिया हैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में मौजूद है, लेकिन कहीं किसी का विरोध नहीं, कहीं किसी के घर पर बिल्डोजर नहीं है, कहीं किसी के जांच नहीं, कहीं कि अभी आप एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है अभी महिला पहलवानों को लेकर के, आप देखिए किस तरीके से रात के 2 बजे 2:30 बजे कैसे उनको रौंद रौंद के मार रहा है पुलिस ने गौरव जी, कितनी शर्मनाक बात है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश में ही ये खाली वीडियो वायरल हुई होगी, ये विदेशों तक देखी गई होगी गौरव जी, क्या इससे हमारे देश का शर्म से सर नहीं झुक रहा है गौरव जी, ये कितनी शर्मनाक और कितनी अफसोसनाक बात है कि जो हमारे पहलवान विदेशों में भी नाम पैदा करते हैं और विश्व लेवल पर अपना नाम बनाते हैं, आज उनकी दुर्गति पुलिस कर रही है, जूतों से लातों से मार रही है, अफसोस जी इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। ठीक है देवेंद्र भाई, यहाँ पर सबका जवाब आपको देना है, विवेक शर्मा का भी, नितिन भाई का भी, आमिर भाई का भी, क्योंकि यहाँ पर जो बातें कही गई हैं बहुत हद तक गलत भी नहीं है। अगर चुनाव शांतिपूर्ण हुआ, साधुवाद के आप हकदार है, अच्छा चुनाव हुआ उसके हकदार है, पर अगर कमी कहीं रही है तो उसकी भी जवाबदेही आपकी है। क्या जवाब है आपका? देखिए गौरव भाई जी, इस बात पर मैं यही कहना चाहूँगा, आपके समाज सेवी और जो वरिष्ठ पत्रकार ने टिप्पणी की जी,
2014 से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर लाल मोसी ने देश की बागडोर संभाली जी, तब से 2014 का चुनाव हुआ, दो आम चुनाव, 2019 का चुनाव हुआ और इसके बीच 2017 का चुनाव हुआ, 2022 का हुआ। यह जो 9 साल की हमारी, अब अगले साल फिर लोकसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, यह जो 9 वर्ष के कार्यकाल रहा हमारा, चाहे प्रदेश में 2017 से 22 का रहा, आपने देखा यह प्रगतिशील यात्रा अनवरत चलती है। अच्छा। और आप भी काम करते हैं, सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है। और रही बात इन्होंने बात बताया जी, अभी हमारे एक समाज सेवी टिप्पणी कर रहे थे, बहुत सी सारी बात, आप यह बताओ यार, 135 करोड़ का देश है और उत्तर प्रदेश की लगभग 23 करोड़ आबादी है, सुनिए, नहीं सुनिए, और विश्व के हम प्रथम स्थान पे हैं। आप बताइए, यह जनता बार बार, अगर भारतीय जनता पार्टी को ट्रिपल इंजन सरकार पे आपने रहा, या हमारी प्रदेश में हो या देश में हो या और प्रदेशों में सरकार है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीतियों को, जनता से जुड़े मुद्दों से, अच्छा, उसके सबका साथ सबका विकास की नीतियों से प्रेरित होकर वोट दे रही है। और सभी जनता को आरोप है, ये समाज से भी, आप अगर समाज से भी है तो आपकी ये टिप्पणी नहीं हो सकती है। और रही बात हमारे पत्रकार जी ने जो बात बताई, विपक्ष चाहे आपने कहा आज आए नहीं है लोग हैं, लेकिन गौरव जी इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि जब से प्रदेश में हमारे माननीय योगी जी की सरकार आई है, तब से गुंडे माफिया शासन प्रशासन में, आप जनता में जाइए, लोग खुशहाल हैं और इस बात की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अच्छा। शांति व्यवस्था के मुद्दे पे आदमी अपनी खुशहाल से, विकास की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के जो लाभार्थी हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। अच्छा। और हम किसी जाति विशेष की बात, हमारे ऊपर हमेशा आरोप लगता रहा, आपने देखा इस चुनाव में, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी पे नहीं, सबसे पहले देश है। और अच्छा। देश के सम्मान की बात हो तो हमारे प्रधानमंत्री ने देश विदेश में भी नहीं, यहाँ भी, और रही बात इनकी बात करिए, आप बताइए देश के कितने विवादित मुद्दे रहे, यही कांग्रेस पार्टी की सरकार है, बड़े बड़े मुद्दा रहा, आपने देखा, चाहे कोई मंद मुद्दा हो अगर उसको सॉल्व किया, उसको सुधारा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अच्छा। आप चाहे किसी भी कार्यकांड को देख लिए, हम हमेशा कहते हैं समस्या में हम समाधान ढूंढते हैं। अच्छा। और आप हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं। अच्छा। यही विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा। रही बात आप कह रहे हैं, आप बता दीजिए, यही सपा की सरकारें थी, यही बसपा की सरकारें थी, केंद्र में भी इन्होंने सहयोग से सरकार बरसा दी, लूटपाट रोज आए दिन घोटाले, क्या अच्छा। आपको कहीं सुनने को मिलता है? अच्छा। इन्होंने घटना एक बता दी, मैं अभी घटना ले जाऊं तो शायद डिबेट का, आपकी चर्चा का जो बुंदु था कि मतदान हुआ, शांतिपूर्ण मतदान हुआ और हमारे उत्तर प्रदेश की 2 करोड़ 40 लाख जनता ने मतदान किया, और यह मतदान कोई प्रभावशाली नहीं हुआ, न किसी दबाव में हुआ, यह मतदान विकास के मुद्दे पे हुआ। अच्छा। जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता के सुख दुख में सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करती है और वही सुनती है, कमरे में बैठ के ट्विटर करके राजनीति नहीं होती है। आप जाइए जनता के साथ जुड़िए। और दूसरी बात, इन्होंने कहा ऐप, मैं अभी अगर ऐप खोल के दिखा दूं, आप नाम बताइए तो अभी ये ऐप चल रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। और जो हमने कहा कि कुछ जगह नाम झूठ बोलना है क्या? लेकिन हमारे शासन प्रशासन झूठ बोल रहा है क्या? इस चीज के नहीं, हमारे शासन प्रशासन की आप इस बात में अब चलेगा फायदा क्या? जब चलना चाहिए तो चलना चाहिए, अभी यही सपा सरकार होती आपको बता दें, या चुनाव में 10 जगह अराजकता होती, अनेकों लोगों के पास हमले होते और अनेकों ऊपर फर्जी मुकदमे, आज देखिए शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। अच्छा। और योगी सरकार की और हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी की परिकल्पना है। अच्छा। कि हम विकास की बात करेंगे, हम आज आगे की संभावनाओं की बात करेंगे। अच्छा। पिछले चीजों की नहीं, आपने लूट खसोट हत्या जो और दुराचार अत्याचार का जो साम्राज्य बनाया था। अच्छा। वो निरंतर 12 में सपा सरकार थी, आप भी जानते हैं भाई, 12 में सपा सरकार थी। हाँ, सपा सरकार आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मार्च में चुनाव परिणाम आए थे और अखिलेश सरकार बनी थी, सपा सरकार बनी थी, और मेरे हिसाब से जून में चुनाव हुए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सभी लोग उसको बता दीजिएगा, नितिन भाई जून में चुनाव हुए थे और मेरे ख्याल से इसके परिणाम उस समय आए थे, तब क्या अराजकता हुई थी क्या?
जो आप अराजकता की बात कर रहे हैं। नहीं गौरव भाई देखिए, कि सपा होती तो अराजकता होती। भाई आप क्या उस समय आपको मेयर नहीं जीते थे? एक प्रतिष्ठित चैनल क्या लखनऊ में, लखनऊ में उस समय जी नहीं, आप एक प्रतिष्ठित चैनल के बहुत ही विद्वान पत्रकार हैं, आप इस बात को इनकार कर सकते हैं जी कि मुजफ्फरनगर दंगों को, अनेकों दंगे हुए, एक एक दंगा नहीं, अगर मैं निकालना चाहूं तो दंगों की पेरी मेरे पास पूरी सूची है, पूरी सूची है। आप इनकार नहीं कर सकते बिल्कुल। आप कल्पना कर लिए 2012 से 2017 की समाजवादी सरकार में थाने यादव चलते थे, लोक सेवा आयोग, आप बताइए लोक सेवा आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। चलिए जवाब ले ले। और उसके बाद अनगिनत ऐसी चीजें जिसको जनता छुप दो गई, बोलने की बात नहीं, आप सुन लीजिए। और जवाब अरे उनको जवाब है कि 37 वर्षों बाद सरकार भाई हो गया, मंत्री जी दोबारा चुनकर आए, ठीक ठीक है हो गया। नितिन भाई बोलिए, नितिन भाई बोलिए, आप अपनी बात करिए जी। हमने कहा देश बंधु भाई लगातार आज आपके चैनल को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भाषण देने का मंच बना लिया, ये बात नहीं, भाषण और बहुत विस्तार से इन्होंने इतनी लंबी स्पीच कर दी। अब लीजिए, अब क्या मतलब है, आज का दिन इन्हीं को दे दीजिए भाई, इन्हीं को दे दीजिए, नहीं इनको फिर कभी दे देंगे, बोल दीजिए बोलिए आज यही। अरे आज तो ये पूरा भाषण कर रहे हैं पूरा, इन्होंने तो आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का मंच बना लिया और जिस तरीके से भाषण कर रहे हैं मुझे लग, अरे भाई 2012 से 17 के बीच के एनसीआरबी के डाटा उठा करके देख लीजिए और 17 के बाद का आपका डाटा उठा करके देख लीजिए, अपराधियों की सबसे ज्यादा लखनऊ के अंदर आप बैठे हो, सरेआम कैमरों में कैद हो रही घटनाएं, लड़के आते हैं घर के बाहर से चैन खींच के चले जाते हैं, लड़के आते हैं सड़क चलती महिला के पीछे से उसकी पर्स खींच के भाग जाते हैं, बलात्कार की घटनाएं आप देख रहे हो लगातार हो रही हैं, महिलाओं के साथ कितने जबरदस्त अपराध हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक इलाहाबाद का महिला को घर से ले जाता है नौकरी दिलाने के बहाने, व्यापार कराने के बहाने, और उसका किस तरीके से यौन शोषण करता है, ये घटनाएं छुपी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के खिलाफ तो देश के जो देश के लिए दो दो तीन तीन मेडल लाने वाले खिलाड़ी बैठे जंतर मंतर पर धरने पर, पिछली बार भी बैठे थे वो, आज तक उसकी जांच रिपोर्ट आई नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर हुई, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भुक्त भोगनी का बयान सफिशियंट है, इसके बावजूद भी जांच किस चीज की हो रही है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही नेताओं की, ये तो सब जग जाहिर हो चुका है। इसलिए आप देश बंधु तिवारी जी, भाषण देने का वक्त नहीं, जमीन पर उतर के काम करने का वक्त है। 9 साल योगी जी मोदी जी को हो गया, 6 साल योगी जी कंप्लीट हो गए, आपकी ट्रिपल इंजन की जिसकी बात कर रहे हो, आपका तीसरा इंजन का भी एक कार्यकाल पूरा हो चुका है, और इससे पूर्व भी ये इंजन तो आपका रहा है, और मैं तो 4 इंजन की बात करता हूँ। अभी 2024 गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर महानगरों की मैं बात कर रहा हूँ, पार्षद इनके, विधायक इनके, सांसद इनके, महापौर इनके, मंत्री इनके, मुख्यमंत्री इनके, प्रधानमंत्री इनके, राष्ट्रपति इनके, इसके बावजूद भी देश की दशा और दिशा को बिगाड़ने का काम जिस तरीके से किया है, इससे जनता पूरी तरीके से उब चुकी है और इनको अब बहुत जबरदस्त सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है और इनको इस बार जनता सबक सिखाने जा रही है। ठीक है, ठीक है नितिन भाई। बेबी भाई, भाई आपने सुना, आपका चल नहीं रहा था, ऋषि जी बोले हैं कि चल नहीं रहा होगा, खैर छोड़िए उसको, मुद्दे को हम नहीं रखते हैं, पर यहाँ पर नहीं नहीं मैं आपकी बात पे ही आता हूँ। दीक्षित साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि समाज सेवियों को ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं है, ये तो मैं दीक्षित साहब से समझना चाहता हूँ, ये जो निकाय चुनाव है, क्या ये देश के स्तर के चुनाव हो रहे हैं क्या? निकाय चुनाव मूलभूत सुविधाओं को लेकर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पार्षदों का चुनाव क्यों किया जाता है? क्षेत्र की जनता जिस चीज से त्रस्त हो रही है, जिस चीज से परेशान हो रही है, साफ सफाई से हो रही है, कूड़े प्रबंधन से हो रही है, 5 साल की ट्रिपल इंजन सरकार थी, कूड़ा प्रबंधन हो पाया आपका? अभी तक आपने पूरा नहीं किया। जिस एजेंसी को काम दिया हुआ था उसको हटाने के लिए बोला गया था, लेकिन उसको 11.5 करोड़ रुपए का आपने पेमेंट कर दिया, ट्रिपल इंजन की सरकार थी, क्या किया आपने? मूलभूत सुविधाएं चाहिए आम जनता को, आपके भाषण नहीं चाहिए। अब हम बता दें, यहाँ पर रहने के लिए दीक्षित जी सुनिए, मैं सुनिए दीक्षित जी, दीक्षित जी कर्म कराता है, मैंने आपकी
भारतीय जनता पार्टी का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता देती है। हो गया जी। ये आम जनता की नहीं सुनेंगे, इसीलिए आम जनता को फुटबॉल बना रखा है। अच्छा, ये सुनना नहीं चाहते। ये कोई फुटबॉल नहीं, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। सुन लो महाराज, अब ये 2020 है, विकसित सुनिए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से बनती नहीं है। आप सुनिए जी के लिए देश जो है आगे बढ़ चुका है। आप रहने दीजिए फुटबॉल बनाने के बाद। 2014 के बाद से आपकी सरकार बार बार लौट कर आ रही है, भाजपा आ रही है। हमने काम किया है, हम जनता के साथ जुड़े हैं, कमरे में एसी कमरों में क्रिकेट खेलते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तो ट्विटर ट्विटर कोई खेलते नहीं है। इनका तो बाकायदा सरकार में ट्रेंड चलाने ट्रेंड कराने के लिए पेमेंट किया जाता है, और इनके दो अधिकारियों के बीच में विवाद भी चल रहा है इस बात को लेकर के, और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मार्केट में वायरल हो रही है कि किस तरीके से प्रसिद्ध और सुशील के बीच में झगड़ा चल रहा है कि 1,00,000 रुपए दे दीजिए उसको, 2,50,000 रुपए दे दीजिए किसी कंपनी से कर लीजिए, उन लोगों को हायर कर लीजिए, ट्रेंड नहीं करा पा रहे हैं, खबरों को हाईलाइट नहीं करा पा रहे हैं। तो ये तो इससे ज्यादा कौन करता है, ये तो सिर्फ कागज का राजनीति करते हैं। इनके लिए एक ही बात कहना है कि बाबा जी की मौसम बहुत गुलाबी है, और ये आंकड़े भी है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनाएंगे, क्या स्मार्ट सिटी बनी, जगह 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 तार भी लटके पड़े हैं। आज भी आप देख लीजिए, वैसे दीक्षित साहब अगर आप जहाँ पर भी रहते होंगे बाहर निकलिएगा, आपको रोड पर तार फैले दिखाई देंगे। क्या हुआ स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, लोगों की प्रोग्रेस है भाई। ये बताइए पांचवे नंबर पे मूलभूत सुविधाओं का ऐसा विकास की नीति हो, विवेक शर्मा सुन लीजिए भाई, पांचवे नंबर पे है आप समाजसेवी की बात करते हैं, विवेक भाई सुन लीजिए, विवेक भाई सुन लीजिए, बात करते हैं कैसे बात करते हैं, उसका एक विजन होता है, उसका प्लान होता है, केवल आलोचना करना और केवल विक्षिप्त मानसिकता से केवल जनता जनार्दन अगर बार बार अरे आज क्या कर रहे हैं गड्ढे बता रहे, क्या दिक्कत है भाई, यही समाज चुनता है, आप एक समाज से क्योंकि वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ देश और समाज के हित के लिए हैं। अच्छा, और इसलिए जनता जनार्दन बार बार हमें अवसर देती सेवा का, हम देश की जनता के साथ जुड़े और समाज सेवा करके देश को आगे बढ़ाने का काम करें। और इन्हीं के एन के महावीर स्कूल, जो महावीर स्कूल है ना, आपने कुर्सी रोड पर देखा होगा, कूड़े का ढेर लगता है, वहाँ पर नहीं साफ करवा पाए, आप बताइए भाई साहब, लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनेकों पुल बनवाए, आपने देख नहीं लिया, अरे कूड़े की बात कर रहा हूँ, पुल कहाँ चलेगा, मैं भी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इतने पुल और ब्रिजेस बनाए, सड़क की समस्या, यातायात की समस्या, नगर निगम काम किया, अरे महावीर की बात करें चाहे कुर्सी रोड की बात करें, इसीलिए वोट मिल रहा है पर ही बात चल रही है, वोट दे रही है, क्योंकि सुनवाई होती है, लेकिन अब आप अपने आगे बढ़िए, टेरी पुलिया से आगे बढ़िए, दूसरी बात सुनेंगे, हो गया कोई आगे आगे देखना नहीं चाहते जी, आप समझते हैं मैं ही बहुत बढ़िया हूँ, केवल मैं अपनी बात जो बोल रहा हूँ वही ठीक है, अरे दूसरे की भी बात सुनिए सर, आप एक समाज से समस्याग्रस्त लोगों की बात सुनिए, आलोचना करते हैं
आप उसको भी ट्रेंड करेंगे, उसको भी रिटेट करेंगे। नितिन भाई कुछ बोल रहे थे, नितिन भाई कुछ बोल रहे थे आप। हमने कहा देश बंधु जी, क्या कोई आम आदमी की भी आप जुबान बंद कर देंगे जी? कोई एक व्यक्ति अगर समाज सेवी है और समाज में काम कर रहा है और अगर वो बोलना चाहता है तो आप उसकी जुबान को बंद कर देंगे? समाज सेवी और समाज में विषयांतर होता है। लोकतंत्र को जिंदा रहने दीजिए। समाजवादी आप हर तरीके से हर आदमी की समाज सेवी कैसे जवाब देंगे? एक मिनट मैं बता लूं, समाज सेवी किसी पार्टी का नहीं है। सच्चाई बता रहे हैं तो आप उनको भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सा तरीका है भाई? आप पत्रकारों को भी नहीं बोलने देंगे, आप समाज सेवियों को भी नहीं बोलने देंगे, आप राजनीतिक दलों को भी बोलने नहीं देंगे? तो आप इस समय पूरे देश में फिर से वही नाजीवाद का हिटलर का शासन ले आइए, तानाशाही चलाइए, लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए। ये लोकतंत्र है देश बंधु जी, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। सच्चाई बयां करता तो सच्चाई को स्वीकार करिए, सच्चाई को आत्मसात करिए। चलिए हो गया, क्यों नहीं रिपीट कर पाए? लोकतंत्र को परिभाषित भी करिए, लोक ही तो चुन के आते हैं, लोक का मतलब कौन होता है जी? लोक का तंत्र का मतलब क्या हुआ? लोक ही तो हमको अवसर दे रहा है। अच्छा। हम नीतियों से आप क्यों नहीं आते? कमरे में बार बार नहीं, बार बार पराजित क्यों होते? ये लोकतंत्र बार बार पराजित क्यों होते हैं? इसको लोकतंत्र कहते हैं? ऐसा नहीं है। अच्छा, जनता जनार्दन समझदार है। बारे 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 समझदार है। नालों पर जो अतिक्रमण है उसको कौन हटाएगा? ऐसा कुछ नहीं। नालों पर जो अतिक्रमण है अत्याचार, अत्याचार इस पर आप सिर्फ मत को लूट रहे हैं, मतदान नहीं कर रहे हैं। ये जो स्वेच्छा से दान करने की प्रवृत्ति थी, लोग मतदान करते थे, कौन हटाएगा? आप मत लूट रहे हैं। जी जैसे ठीक है, आमिर साहब बोलेंगे। आमिर भाई कोई बोल रहे थे आप जी? देखिये गौरव जी, बात हो रही थी निकाय चुनाव पे और ये लेकर के कहां से कहां पहुंच गया मामला। देखिए स्थानीय जो चुनाव होते हैं जी, वो वाकई स्थानीय मुद्दों पर होते हैं जी। लेकिन स्थानीय मुद्दों की बात अगर हम करें तो अभी माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ये एक ब्रिज हैदरगंज से लेकर के और चौक मेडिकल कॉलेज तक बनाया गया है। आप जाके देख लीजिएगा किसी वक्त भी, गौरव जी आपने किसी जर्नलिस्ट से दिखवा लीजिएगा कि थोड़ी सी बारिश हो जाती 10 मिनट, 2 दिन तक वो पुल टपकता है। बारिश कल हुई थी, सुबह हल्का पानी गिरा, लेकिन अभी हम आए हैं तो अभी तक ये कपड़े मेरे खराब हो गए, निकलते चले आए तो तमाम कोई ऐसा पिलर नहीं है जिसके ऊपर टपक ना रहा हो, तो ये हमारा विकास है। दूसरी बात निकाय चुनाव में तमाम पार्टियां हैं, मुखिया उतरते हैं, राष्ट्रीय नेता भी उतरते हैं, लेकिन हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उतरे, गौरव जी बहुत मुझे शर्म आती है कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, इसमें भी हिंदू मुस्लिम की चाशनी मिला दी गई जी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने शिमला बना दिया, इसका क्या मकसद है जी? दूसरी चीज, बाकायदे हमारे देश के गृह मंत्री जैसा इतना बड़ा नेता, देश का गृह मंत्री, इतना बड़ा मेरा हिंदुस्तान, उसका गृह मंत्री कह रहा है कि मैं अति कहाँ आज पहुँच गया, ये तमाम वीडियो वायरल हो रही है गौरव जी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो इससे ज्यादा के शर्मनाक बात और क्या हो सकती है गौरव जी, कि ये निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों पर ना होकर के भी उसको भी हिंदू मुस्लिम की चाशनी में डुबो दिया गया गौरव जी। अच्छा। इससे ज्यादा अफसोसनाक और शर्मनाक बात कोई हो ही सकती है कि हमारी राष्ट्रीय पार्टियां, वो भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, धनवान पार्टी, और इतनी ओछी मानसिकता के लोग और इतनी ओछी शब्दों के मतलब प्रयोग, शेम शेम शेम, इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता एक बहसियत जर्नलिस्ट के नाते। अंतिम समय चल रहा है डिबेट का, नितिन भाई आखिरी कमेंट क्या रहेगा आपका? नितिन भाई क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा फिर से करें जी। आमिर भाई ने जिस तरीके की बात कही, मैं आमिर भाई की बात का थोड़ा सा समर्थन करता हूं जी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय लोकतंत्र को समाप्त कर लूटतंत्र पर आमादा है। और इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, मेरे कानपुर की तो महापौर की प्रत्याशी है और अभी तक वो महापौर थी, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद ने उनको भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बता दिया है कि, और साफ इस बार कहा कि हम बहिष्कार करते हैं भ्रष्टाचारियों का, क्योंकि हमारे नगर निगम को बर्बाद कर दिया, लूट करके रख दिया और पूरी तरीके से यहाँ भ्रष्टाचार कायम रहा। ये बात मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा मेयर के खिलाफ मौजूदा सांसद जी कह रहे हैं जी। ठीक है, समाज से विवेक शर्मा जी। बस केवल इतना चाहूंगा
जैसे हमारे दीक्षित जी ने अभी बात नहीं सुनी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुनते हैं। अच्छा, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से अगर अपनी शिकायत में दर्ज कराता हूँ तो भी सुनवाई होती है। तो दीक्षित जी, कम से कम अगर आपकी आलोचना हो रही है उसको सुनिए, उसका सुधार करिए, और अपने अधिकारियों को, जो आपके अधिकारी है ना, जो आपके जो नाकारा अधिकारी है, उनके ऊपर छोटा चलाइए, उनके ऊपर हंटर चलाइए, कम से कम काम करें, साफ सफाई रखें, लोगों को जो जनित के जो मुद्दे होते हैं उनको बोलने का मौका ना पड़े। जी भाई, सरकार की बदनामी होती है जब साफ सफाई नहीं रखेंगे, नालों पर अतिक्रमण करवाएंगे, सब्जी मंडियां लगवाएंगे रोडों पर, ये सब चीजें हटनी चाहिए। ठीक, जाम की समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, आवारा कुत्तों के लिए आश्रय स्थल की उपलब्धता करवाइए। ठीक है, ठीक है। जसवंत भाई, आखिरी कमेंट आपका, बोल लीजिए। हमारे समाजवादी मित्र हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, इस बात को मैं संज्ञान में रखूंगा और शीर्ष नेतृत्व को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बता दें 13 तारीख को परिणाम आएगा। समाजवादी नहीं, अरे समाज से भी। मैं आपकी बात को, मैं आप समाजवादी कह दिया आपने, नहीं मैं समाज से भी, अरे भूल गए होंगे, क्षमा चाह रहा हूँ। हर समाज से भी समाजवादी होता है भाई जी। अभी अलग बात है उसके नाम से पार्टी बन गई तो, लेकिन समाजवादी थोड़ी लग जाएगी भाई। ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा ही है देशबंधु जी, आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा ही, समाजवादी का मतलब ऐसा नहीं होता है, समाज से भी ही समाजवादी होता है। ये अलग बात है कि मेरे देश में एक समाजवादी पार्टी नाम की एक पार्टी भी है, लेकिन आप एक अलग नहीं, देखिए मैं आपका जल्दी बोलिए, जनहित के मुद्दों की जब बात की जी, तो पिछले चुनाव में भी हम जीते हैं। हाँ। और अगर आप बात करते हैं तो 13 तारीख को परिणाम आएंगे। अच्छा, और यही उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन, 5 साल में जो हमने कार्य किए, गौरव भाई आपके चैनल पे बहुत मैं विनम्रता से बोल रहा हूँ, इस पे अपना मतदान, और हमें मतदान के रूप में अपना आशीर्वाद देके विजयी बनाएंगे जी, तो कहीं न कहीं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चाहे सरकार हो, चाहे स्थानीय स्तर पे हमारे पार्षदों की सरकार जी, हो, उसने कार्य किए हैं और उस कार्य की परिणति को आगे बढ़ाएंगे, और फिर हम सरकार बना के 13 तारीख से उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए इस विकास रथ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ पर अंत में हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि चर्चा महत्वपूर्ण थी, पर जो वोट का प्रतिशत हुआ है, जो मतदान का प्रतिशत हुआ है, वो स्पर्श करता है कि भले ही यहाँ पर जनाधार किसी को मिले, पर जनाधार यहाँ पर आधी जनता ने ही दिया है। क्योंकि अगर पूरा जनाधार यहाँ मिलता तो वोट परसेंट शायद 80 या 90% जाता, तो 50% वोटिंग, 60% वोटिंग, 70% वोटिंग और 40% वोटिंग बताती है कि जनता ने यहाँ मतदान तो दिया है, जनाधार तो दिया है, पर वो जनता आधी है। जो मतदाता यहाँ पर वोट नहीं दे पाए, रंज उनके मन में भी होगा, निराशा उनके मन में भी होगी। और मेरा मानना ये है कि कम से कम इस व्यवस्था सबक लेते हुए 24 के चुनाव में ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो मतदाता परसेंटेज हुए, जो मतदान का जो प्रतिशत है, वो कम से कम 80% से ऊपर जाए। ये जरूरी है, जरूरी है, स्पष्ट करेगा कि प्रदेश की 80% जनता ने जनाधार दिया है। जो आधा जनाधार लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है और शायद जनता के लिए भी खतरनाक है। तो जनाधार यहाँ सबको देना चाहिए और मतदान सबको करना चाहिए, और कम से कम व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि सभी लोगों को यहाँ पर मतदान का अवसर प्राप्त हो। गलतियाँ होती हैं, सुधार जरूरी है, और निर्वाचन व्यवस्था में इस तरह की अगर भूल हो रही है, किसी को किसी मत से देने से वंचित हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जवाबदेही भी है आयोग की भी और व्यवस्थाओं की भी। तो सबक लीजिए, बेहतर करिए, मतदान भी करिए, आवाज़ भी उठाइए और संघर्ष भी करिए, कि अगर संघर्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र की खूबसूरती क्या होगी। विपक्ष भी उतरे और जनता के प्रतिनिधि भी उतरे, और हम जैसे खबर एंड बीच की जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे और अपील भी करेंगे कि पहले मतदान, बाद में जलपान, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने देश का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। बस क्या चीज़ हम इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।